अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। कपूरथला पुलिस ने एक एहो जिहे ड्रग नेटवर्क नूं तोड़न विच सफलता हासिल कीती है जिस विच छोटी उम्र दे दो नौजवान पूरे उत्तर भारत विच नेटवर्क चला रहे सन। गिरफ्तार किए गए नौजवानों को 1 किलो हीरोइन और 7,20,000 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि दोनों नौजवानों नूं जयपुर राजस्थान तो एक विशेष ट्रैप के जरिए काबू किया गया है। उन्होंने दसिया कि इन्हों दोनों नौजवानों बारे बीते मई महीने 1 किलो नशीले पाउडर समेत फड़े गए एक नौजवान तो पूछगिछ दौरान पता चलिया। फड़े गए नौजवानों ने दसिया कि दुआबा हल्के के सरबजीत सिंह और फलोगा ते वरुण नाम के नौजवान नशे के दो मुख्य सप्लायर हैं, जिस तो बाद पुलिस उन्हां दी भाल विच लगी हुई सी अते एक दोवें नौजवान लगातार अपनी लोकेशन बदल के पुलिस नूं चकमा दे रहे सन। आखिरकार जयपुर पुलिस के ये हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार किए गए ये दोवें नौजवान अजे सिर्फ 25-30 साल की उम्र के ही हैं अते जल्दी ही ऐश भरी जिंदगी जीण लई इस धंधे विच पै गए। पुलिस ने इन्हां दी बरामदगी तो एक लग्जरी कार, एक इन्हां दी साथी औरत तो 10 लाख दे गहने अते ड्रग मनी तो बनाई गई कालीशान कोठी नूं भी इस केस विच अटैच कर दिता है अते केंद्रीय जांच एजेंसियां इन्हां दी होर भी जायदाद बारे जानकारी हासिल कर रही हैं। कपूरथला तो रिकेश कुमार की खास रिपोर्ट, A7 पंजाब। मानयोग SSP साहब कपूरथला श्री सिंदर सिंह जी, इन्हों वालों नशे खिलाफ जी मुहिम स्टार्ट की गई है वो सू 5वें महीने सफलता मिली सी, जिदे 89 FIR नंबर जी है कोतवाली थाने दर्ज हुई सी, जिदे असी एक नेकदीप सिंह इली सन्नी है जिहड़ा कि जलंधर का रहने वाला है, उन्होंने असी कोतवाली थाने के लागे गिरफ्तार किया। फिर फरदर इन्वेस्टिगेशन उन्हें गां दसिया जिन्होंने मैं ड्रग दिना है, जिद मुंडा सरबजीत सिंह लोगा आ वो भी उन्होंने ऐसी इसे मुकदमे नॉमीनेट किया। उस तो बाद फरार सेगा, फिर सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि जयपुर के लागे है, फिर साड़ी टीम वालों जी है जयपुर रेड किया गया, जिदे सानू ये नाल मुंडा वरुण आ वो भी असी अरैसट किया है, तो नाल लोगा भी अरैसट किया। उतो असी इन्हों को बरामदगी की है, इन्हों को एक डिजायर गड्डी जी है इन्होंने इतने छुपा के रखी से कपूरथला, एक वो असी रिकवर की है, 1 किलो हीरोइन जी है वो रिकवर की है, 7,20,000 रुपया जरा है असी रिकवर किया है। सर ये लोग योजे धंधे इन्होंने शामिल होने का कारण की ऐशो आराम की जिंदगी या फिर इन्हों का प्रीवियस रिकॉर्ड भी सी, क्यों शामिल से? 2012 के भी 1 किलो हीरोइन का परचा दर्ज है कपूरथले के पुलिस स्टेशन सदर के, वो भी इन 10 साल सज़ा हुई है, जिद 2017 बाहर आया सगा, आने तो बाद इन्हें फिर अपना नैटवर्क जरा स्टार्ट किया जिद जी है रिकवरी कराई है। सर एक बहुत बड़ा सवाल आता जो इधर के लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो ये अपने पैसों इनवैसट करते हैं या प्रॉपर्टीज के कुछ इदा दारे भी जानकारी, कोई प्रॉपर्टीज या लग्जरी लाइफ की कुछ एसैट्स तुम रिकवर किए हो या अटैच की हो? ये जी एक नवी कोठी बनाई इन्हें वो असी ऑलरेडी अटैच कर दी है, तो यह प्रॉपरली केस तैयार करके भी भेजा जाऊगा, ED में भेजा जाऊगा, तो जेडे ये बैंक अकाउंट से ये लॉकर से अभी ऑलरेडी सीज करा चुके हैं। फर्दर पुछगिछ सामने आऊगा तो दसा। ये सप्लाई चेन का पता लग पाया जी, जिदा जयपुर लुकया से उत्थे भी कोई इनपुट से लिंक अप से? जयपुर तो ये लोग इस करके रह रहा है, मैं पुलिस की गिरफ्त तो दूर आवं इस करके जयपुर रह रहा है, तो अपना बाकी जी यदि फरदर इन्वेस्टिगेशन है पुछगिछ है उस तो बाद गल सामने आएगी भी की कर रहा है। किन्ने दिन रिमांड पर? साढ़े को 3 दिन के रिमांड पर है जी। सर 3 ड्रग मनी कि फटी? 7,20,000 रुपये को ड्रग मनी रिकवर की असी, तो 1 KG हीरोइन रिकवर की है, 1 डिजायर गड्डी है जी ये नाते सी वो भी रिकवर की असी, तो ये लॉकर है इंडसइंड बैंक जोड़ा है इतने कपूरथला लॉकर भी है, तो लॉकर भी मंडे खोल के वो ये कहने मुताबिक कुछ ड्रग मनी तो सोना है वो भी असं रिकवर करा। ठीक है।